लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं, और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा तो उनके खाते में क्या होगा। इतने में राजा बलि ने कहा बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी तालाब कुंड कुआं किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको तीनों दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, माता 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है, जम के बोलो जरा, देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाता है। एक बार दिवाली पर दिया नहीं लगाओगे चल जाएगा, धनतेरस के दिन नहीं लगाओगे चल जाएगा, पर यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चूक गए तो फिर वो दिया का कोई फल पता नहीं, फिर इसका कोई